हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको बताएंगे कि 21 तोपों की सलामी क्यों दी जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए हम आपको गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में से एक 21 तोपों की सलामी के महत्व के बारे में बताते हैं। गणतंत्र दिवस पर दर्शकों को आकर्षित करने वाला यह बहुत ही गौरवपूर्ण पल होता है जब देश के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसकी खास बात यह है कि 21 तोपों की यह सलामी 52 सेकंड तक चलने वाले राष्ट्रगान के दौरान 2.25 सेकंड के अंतराल पर दी जाती है। इसके लिए अभी भी ब्रिटिश शासन की 7 तोपों का इस्तेमाल किया जाता है। 21 तोपों की सलामी देने की शुरुआत ब्रिटिश काल में 17वीं शताब्दी में तब हुई जब नौसेना ने समुद्र में दुश्मन को शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए जहाज पर मौजूद हथियारों से हवाई फायर किया और उससे भी उनकी सहमति जताने के लिए ऐसा करने को बोला गया। उस टाइम तोपों को लोड और अनलोड करने में काफ़ी समय लगता था, इसलिए उन्होंने बंदूकों से फायर किया। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा किया गया यह प्रयास एक परंपरा के रूप में अपने दुश्मन के प्रति सम्मान दिखाने के लिए किया जाने लगा। इस सवाल का जवाब अब हम आपको बताते हैं। उस समय ब्रिटिश युद्ध पौधों पर बाइबल में उल्लेखित 7 अंक का विशेष महत्व होने के कारण एक स्थान पर 7 हथियारों को एक साथ रखा जाता था। इसलिए उस समय शांति का संदेश देने के लिए 7 हथियारों से 3-3 बार समुद्र में फायर किया जाता था और तब से ही 21 तोपों की सलामी का रिवाज शुरू हो गया था। हालांकि भारत में इस परंपरा की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान ही हुई थी और आज़ादी से पहले यहां स्थानीय राजाओं और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों के प्रमुख को 19 या 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि 21 तोपों की सलामी ही क्यों दी जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।